और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं गिरिडीह, जहां से हमारे साथ संवाददाता श्रीकांत जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, देखिए तस्वीरें हमने पिछले कई महीनों से देखी, जहां पर तमाम अधिकारियों की तैयारियों को हमने देखा। पिछले महीनों हमने तमाम मतदाताओं के रुझानों को देखा, उनके मुद्दों को देखा। अब कल का दिन बेहद खास, क्योंकि कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती होनी है और उसके बाद परिणाम स्पष्ट हो पाएगा। गिरिडीह का हाल क्या कुछ है, वहां सुरक्षा की व्यवस्था क्या कुछ है मतगणना केंद्र के आसपास? श्रीकांत जी, देखिये निश्चित तौर से सुष्मिता, अब कल वो दिन है जिसका इंतजार सभी को बेसब्री से है। इस वक्त हम गिरिडीह में मौजूद हैं और यहाँ पर कोडरमा लोकसभा का और गांडी उपचुनाव का मतगणना सेंटर बनाया गया है। हमारे ठीक पीछे हम अपने सहयोगी राहुल से कहेंगे, वो दिखाएं यहाँ पर स्ट्रांग रूम जो है गिरिडीह का बाजार समिति। आप देख सकते होंगे सीधे कैमरे की नजर से किस तरीके से विभिन्न चक्रों में सुरक्षा घेरे को पार करने के बाद लोग अंदर दाखिल हो सकते हैं और लगातार जो है अर्धसैनिक बल की कंपनियां हों या फिर झारखंड पुलिस की कंपनियां हों, सभी लोगों के प्रमाण पत्र और जो पहचान पत्र हैं उनको चेक करने के बाद लोगों को भीतर दाखिल होने दिया जा रहा है, पर अंदर भी पर ना मार सके इसके लिए व्यवस्था है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह पहला चेक पोस्ट है जो बनाया गया है, यहाँ पर निरीक्षण करने के बाद लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है और लगातार किसी भी तरीके से सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसे लेकर तैयारी है। और ये पहली एंट्री गेट है और इस एंट्री गेट में आप देख रहे होंगे ये ड्रॉप गेट बनाया गया है और सुरक्षा कर्मी भी लगातार पोस्ट पे मौजूद हैं। और इस जगह पे यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें अपना नाम पता, किस कारण से अंदर आए हैं, उनका पहचान पत्र कहाँ है, ये सारी चीजें लिखवाने के बाद क्या क्या जांच कर रहे हैं आप लोग यहाँ? सबका बिना कार्ड के जाने नहीं दिया जा रहा है, जो पहचान पत्र इलेक्शन कमीशन वही जा रहे हैं अंदर, वही जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग एंट्री करते हैं? जी एंट्री करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला लेयर हो गया, ये एंट्री करने के बाद लोगों को जाने दिया जाएगा। और सुष्मिता देखिए हम इसी तरीके से आगे आपको दिखाएंगे, कल इतने बजे तक जो है बहुत सारे रुझान आपको सामने दिखने लगेंगे। ठीक सामने अगर आप देखिए तो ये दूसरा चेक पोस्ट है, दूसरा एंट्री पॉइंट है। किसी भी तरीके से सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसे लेकर लगातार जो है गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा, गिरिडीह के उपायुक्त जो है नमन प्रियस लकड़ा, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि कहीं से भी कोई सुरक्षा में चूक ना रह जाए। देख सकते हैं इस गेट पर भी दोबारा सभी लोगों से पहचान पत्र की मांग की जा रही है, पहचान पत्र लिया जा रहा है। जिन लोगों के पास इलेक्शन कमीशन का पहचान पत्र नहीं है उन लोगों को यहां रोक दिया जा रहा है। क्या क्या जांच कर रहे हैं आप लोग? सर हम सिक्योरिटी के बारे में आपको नहीं बता सकते। तो देखिए ये सीआरपीएफ के लोग हैं, केंद्रीय अर्धसैनिक बल की सुरक्षा कंपनी है और यहाँ से इस गेट से उस पार दाखिल होने के लिए लोगों को पहचान पत्र की आवश्यकता है। बिल्कुल, जिन लोगों के पास इलेक्शन कमीशन का पहचान पत्र, एक सवाल आपसे और है श्रीकांत, क्योंकि देखिए गिरिडीह लोकसभा के परिणाम तो स्पष्ट होंगे ही, लेकिन गांडे उपचुनाव भी बेहद खास रहा। 26 मई को वहां पर वोटिंग होती है और उसके बाद एक प्रमुख चेहरा है और इस प्रमुख चेहरे के पास भी जो है कई दिग्गज है, इन सबके बीच गांडे उपचुनाव के परिणाम भी कल स्पष्ट हो पाएंगे श्रीकांत? देखिये निश्चित तौर से जहां पे जिस मतगणना सेंटर पर हम मौजूद हैं वहां से कोडरमा लोकसभा की भी मतगणना सेंटर यहीं पर है और राज्य की, पूरे राज्य की कहें तो आप जिस सीट पर नजर है गांडे उपचुनाव की सीट पर, उसका भी परिणाम इसी सेंटर से आएगा, इसी मतगणना सेंटर से आएगा। तो कल निश्चित तौर से इस मतगणना सेंटर में काफी गहमा गहमी रहेगी, काफी समर्थक पहुंचे रहेंगे, पूरा इलाका जो है समर्थकों से भरा रहेगा, पक्ष विपक्ष के लोगों से। निश्चित तौर से परिणाम जब देर शाम आएंगे, विजय जिसकी भी होगी, भव्य जुलूस की भी राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर से तैयारी कर रखी है, प्रशासन ने भी तैयारी कर रखी है, क्यूआरटी की टीम लगाई गई है, अलग से फोर्सेस को लगाया गया है ताकि शहर का जो मुख्य चौक चौराहा है वो जाम ना हो, देर शाम को लोग यहाँ पर रहे, विधि व्यवस्था में कोई खलल ना पड़े, इसको लेकर एसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और गांडे और कोडरमा, गांडे उपचुनाव और कोडरमा लोकसभा का मतगणना सेंटर हम जहां खड़े हैं ठीक इसके पीछे है और कल इतने समय तक लगभग रुझान जो है वो आपके समक्ष होंगे और ये तस्वीर धीरे धीरे तक साफ होने लगेगी
गांडे के जनता पर किसने राज किया है, गांडे के दिल में कौन है और कोडरमा लोकसभा की जनता ने किसे अपना सरताज पहनाया है और किसे चाहती है। कोडरमा और गांडे के उपचुनाव का परिणाम यहां आ जाएगा। फिलहाल अभी तक हमें जो जानकारी है लगभग 24 टेबल कोडरमा के लिए लगाए जाए। बिल्कुल श्रीकांत, तो देखिए तस्वीरें दिखाने के लिए आपका फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए किस तरीके से तमाम सुरक्षा घेरों के बीच कल मतगणना होनी है, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से तमाम तस्वीरें न्यूज 11 भारत अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। जब बूथों की तस्वीरें हमने पहुंचाई थी तब वहां हमने देखा था क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था है। अब देखिए किन सुरक्षा घेरों के बीच मतगणना होगी और किन की किस्मत कल जो है वो जागने वाली है और क्या आशीर्वाद जनता ने किस प्रत्याशी को दिया, ये कल समय के साथ स्पष्ट हो पाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।